मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर की चार अवस्था होती है और जो दूसरा पुरुष और महिला, क्या दोनों के लिए ब्रह्मचर्य एक समान है, ठीक है, क्या कोई फर्क है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला है कि हमारे शरीर की जो चार अवस्था होती है, पहली होती है वृद्धि अवस्था, यानी इसमें हम 16 वर्ष से यानी 25 वर्ष पर्यंत हमारे शरीर में बढ़ोतरी होती है। और जो दूसरा है हमारी युवा अवस्था, जिसमें हम 25 से 26 वर्ष में हमारी युवा अवस्था की शुरुआत होती है। और जो हमारा तीसरा है ये क्या है, पूर्णियता, इसमें हमारी 25 से लेकर 40 वर्ष पर्यंत हमारे शरीर में जो भी धातु हैं उनकी पुष्टि होती है। धातु का मतलब जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसकी पूर्णता यानी वह बढ़ता है, यानी शरीर के अंदर वो आता है, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी होती है तो वह पूर्ण तरीके से 40 वर्ष तक की कंप्लीट हो जाते हैं। और जो हमारा है लास्ट कुंचित परिहानि, इसके अंदर हमारी 25 से 40 वर्ष पर्यंत जो भी हमारी सकल धातु है पुष्टि होकर पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। यानी कह सकते हैं हम जितनी हमारी न्यूट्रिशन है यानी अंगोपांग है वह पूर्ण तरीके से बढ़ सकते हैं और एक तरह से परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई यानी कह सकते हैं हम कोई वीर या फिर कोई भी बढ़ोतरी होती है तो वह हमारी सौपन और परसवेद आदि द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमारी चार अवस्थाएं शरीर की, ठीक है। अब जो है हमारा जो मैंने प्रश्न बताया था अभी आपको, क्या महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए एक समान है ब्रह्मचर्य, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव है जो मैं थोड़ा सा अलग है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अगर कोई पुरुष 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसमें कोई भी स्त्री 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करती है। अगर कोई 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर वह स्त्री 17 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करती है। ऐसी 36 वर्ष और पुरुष के लिए 36, महिला के लिए 18 वर्ष। ऐसी 40 वर्ष पुरुष के लिए, महिला के लिए 20 वर्ष। ऐसी 44 वर्ष महिला के लिए 22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगर पुरुष 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो महिला के लिए 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी इनमें लगभग उम्र का जो है, पुरुष की उम्र है वह महिला से दुगनी होती है। यानी यह जो नियम है यह उनके लिए है जो विवाह करना चाहते हैं, ठीक है। जो हमारी शुरुआती उम्र है पुरुष के लिए 25 और जो महिला के लिए 16 वर्ष, यानी उसके बाद वह शादी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट जो है महिला के लिए 24 और पुरुष के लिए 48 वर्ष है, यानी उसके बाद उनको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। एक बात और है, अगर ये भी सवाल है कि क्या मृत्यु तक हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, हाँ वह कर सकता है मृत्यु तक ब्रह्मचर्य का पालन, यह लेकिन यह थोड़ा कठिन होता है कि आप अपनी इंद्रियों को जीत कर किसी काम को अपने वश में करते हैं, तो ये थोड़ा कठिन कार्य है। अगर कोई व्यक्ति या महिला इसको करना चाहती है तो वह कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई ये बात। मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।